Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. जब डॉक्टर महनाज ने वार्ड में दाखिल होकर पर्दा हटाया तो 4 साल का एक मासूम बच्चा डरा सहमा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। बेड के बराबर में एक और लड़का खड़ा था जो कदकाठी से 8 साल का मालूम हो रहा था। वो दीवार पर लगे चार्ट्स, मॉनिटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट को बहुत गौर से देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महनाज है एंड आई एम योर सन्स इमरजेंसी पीडियाट्रिशियन, और इस केस फाइल के मुताबिक आप हैं मास्टर बुरहान ताहिर, है ना? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर आंटी, मेरा नाम जिब्रान है, मैं बुरहान का बड़ा भाई हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जिब्रान बेटा। मिसेस ताहिर, क्या हुआ बुरहान को? नादिया ने बुरहान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं आज दोनों बच्चों को मामूल के मुताबिक पार्क ले गई थी खेलने के लिए, वहाँ बुरहान साइकिल से गिर गया। इसे बहुत दर्द हो रहा है, ये अपना हाथ भी मोड़ नहीं पा रहा, शायद फ्रैक्चर हो गया है। इस पर जिब्रान ने अपनी अम्मी की बात काटते हुए कहा, जब बुरहान गिरा था ना तब ठक करके एक आवाज़ आई थी, मुझे लगता है इसकी हड्डी टूट गई है, मैंने खुद सुना था, मैं उस वक्त इसके साथ ही था ना। इस दखल अंदाजी पर नादिया ने जिब्रान को आंखें दिखाई और कहा, बेटा अम्मी बात कर रही है ना, आप खामोश खड़े रहें। डॉक्टर महनाज ने यह सुनकर नादिया की उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आपके हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई है, क्या आपको भी बुरहान के साथ चोट लग गई? इस पर नादिया ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो मामूली सा कट है, मुझे पिछले हफ्ते किचन में काम करते हुए लग गया था, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिर डॉक्टर महनाज ने बहुत एहतियात और नरमी के साथ बुरहान के दाएं हाथ और कलाई को उठाया, मगर इस हल्की सी हरकत पर बुरहान बिलक बिलक कर रोने लगा। आई एम सो सॉरी बच्चा, आपको दर्द हो रहा है ना, मैं बहुत आराम से चेकअप करूंगी, ओके? बुरहान को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर महनाज ने नादिया से कहा, मिसेस ताहिर, मुझे भी यही लगता है कि बुरहान का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मगर हमें फिर भी एक्सरे करवाना होगा ताकि अंदाज़ा हो सके, आप लोग यहीं इंतज़ार करें, मैं नर्स को हिदायत दे देती हूँ कि वो बुरहान के लिए आइस पैक ले आएँ, बर्फ़ की टिकोर करने से इसे सूजन और तकलीफ़ में थोड़ा आराम मिलेगा। 1 घंटे बाद एक्सरे रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर महनाज दोबारा बुरहान से मिलने के लिए इमरजेंसी वार्ड में गईं। तब तक मिस्टर ताहिर भी वहां आ चुके थे। जब डॉक्टर महनाज अंदर आईं, तो वो नादिया को डांट रहे थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुम दोनों बच्चों को लेकर क्यों आ गई यहां? और एक्सरे क्यों करवाने दिया तुमने, मेरे आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? डॉक्टर महनाज को देख कर वो अचानक चुप हो गए। बात संभालने के लिए उन्होंने फौरन सलाम किया और कहने लगे, थोड़ी देर से आने के लिए बहुत माजरत डॉक्टर साहिबा, मुझे जैसे ही नादिया ने फ़ोन किया मैं फ़ौरन ऑफिस से निकल आया, बुरहान ठीक तो है ना? इस पर डॉक्टर महनाज ने कहा, मिस्टर ताहिर, बुरहान की रिपोर्ट्स आ गई हैं, इसके फोर आर्म में फ्रैक्चर आया है, हड्डी को जोड़ने के लिए हमें एक मामूली सा ऑपरेशन करना होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मगर इसके एक्सरे में एक बात सामने आई है जो मेरे लिए थोड़ी हैरान कन है। डॉक्टर महनाज ने बुरहान का एक्सरे फाइल से निकाल कर स्क्रीन पर लगाया और इशारा करते हुए मिस्टर एंड मिसेस ताहिर से पूछा, क्या आपको ये बारीक बाल जैसी लाइन नज़र आ रही है? ये बताती है कि बुरहान को ठीक इसी जगह कुछ अरसा पहले भी फ्रैक्चर हुआ था, मगर वो शायद कुदरती तौर पर खुद जुड़कर ठीक हो गया। आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? इस सवाल पर दोनों मियाँ बीवी घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।